हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी ढाका दिल्ली से, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर टेस्टी राजमा की रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये राजमा मैंने लिया है आधा किलो 7-8 घंटे भिगोने के बाद। 3 बड़े कटे प्याज लिए हैं मैंने और 2 बड़े कटे टमाटर लिए हैं। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 4 से 5 हरी मिर्ची। और इसमें मसाला फ्रेंड्स, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, हींग, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर लिया है मैंने। फ्रेंड्स, पहला स्टेप है, इस राजमा को हम कुकर के अंदर डाल के और उबालेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम पानी रखेंगे जो राजमा से ऊपर के लेवल का पानी होना चाहिए, तो इसके अंदर पानी डालेंगे हम। और ये ताकि इसमें उबलने के बाद उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये पानी को ऑब्ज़र्व कर लेंगे। तो इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल में पानी हम रखेंगे, देखिए इतना पानी हमें रखना है। और आफ्टर दैट इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आए। और उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे ताकि नमक इसके अंदर ठीक से बैठ जाए। फ्रेंड्स, इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे हम ताकि ये बाहर ना आए उबलने के बाद, और इसे ढककर रख देंगे उबलने के लिए। इसमें 6 से 7 सीटियां लगाएंगे कुकर की, और अब देखिए ये रेडी है। आफ्टर 6-7 सीटी के बाद ये ठीक से रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, इसको आप देख लेंगे ये गला है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीटी लगाने के बाद भी गलता नहीं है, तो इसे हमें प्रॉपर गलाना है। तो इसे हम देख चेक करेंगे ये गला है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक से गल चुका है। अब हम एक पैन में तेल लेंगे और उसमें जीरा डालेंगे। जीरे को भुनने के बाद प्याज ऐड करेंगे, और प्याज का कलर सुनहरा होने तक भुनने के बाद टमाटर ऐड करना है फ्रेंड्स, और टमाटर को अच्छी तरह से इसमें पकाना है। ऑयल स्प्लिट होने के बाद टमाटर को देखिए इतना पकाना है, और इसके बाद हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे जो हमने मसाले इसमें निकाल कर रखे हैं। उन सभी मसालों को इसमें ऐड करना है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल ठीक से पका हुआ है, और अब मसाला ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 गिलास के करीब पानी डालना है। और पानी डालने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे हम। फ्लेम गैस का तेज ही रखना है हमें इसमें, और ये अच्छे से जब पक जाएगा तो ऑयल इसका अलग हो जाएगा मसाले से, और तभी इसको पका हुआ मानेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, इसमें हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट अभी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और अब ये प्रॉपर पक चुका है। तो जो हमारे कुकर में हमने राजमा उबाला था, इस मसाले को हम उसके अंदर डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। ये राजमा में ये मसाला पूरी तरह से मिल जाना चाहिए, और इसके बाद हम इसको गैस की तेज फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, देखिए अभी अच्छा लग रहा है, और थोड़ा देर हम इसको उबालने के लिए जब अभी फ्लेम तेज करके गैस का रखेंगे, ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए कितना सुपर टेस्टी राजमा है, पर अभी ये पका नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए तेज गैस पर पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। दो तीन मिनट पकने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, और ये देखिए रोटी या राइस के साथ आप इसे सर्व करेंगे, और ये सुपर टेस्टी राजमा आपका तैयार है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।